शाहरुख तो बर्क हॉलिक मतलब चौबीसों घंटे काम कर लोग करते रहे शाहरुख अपने लैपटॉप पर लगे हुए हैं बारह बजे तक काम कर रहे हैं काम अपना तय किया हुआ है कि मुझे करना ही है खाना वाना खा लेंगे बाद में कितनी बड़ी बात है बॉलीवुड के खांस के साथ तीनों खांस के साथ आपने काम किया है तो कैसा रहा वो अनुभव अच्छा। किस, किस तरह की शख्सियत है तीनों खान बहुत अच्छे हैं काम के मामले में या पर्सनली पर्सनली भी और काम के मामले में इसी वजह से वो स्टार है और लोग पसंद करते हैं शाहरुख तो वर्क हॉलिक हैं मतलब चौबीसों घंटे काम कर लोग करते रहेंगे एक कितनी बड़ी क्वालिटी है किसी भी स्टार की कि फिल्म प्रोड्यूस की है तो उसके प्रोडक्शन साइड को भी बैलेंस करके रखना है आप उसमें फिल्म में हीरो हैं तो उसको भी बैलेंस करके रखना है आपके बाहर की जो इंगेजमेंट्स हैं उनको भी आपको ऑनर करना है एक छोटा सा किस्सा है किस्सा मतलब एक छोटी सी बात में बताता हूँ हम लोग वहाँ शूटिंग कर रहे थे हैदराबाद जी तो दिन भर शूटिंग की दिन भर शूटिंग की उसके बाद शूटिंग करके हम होटल से लौटे होटल लौटे उसके बाद फिर सब डिनर विनर की तैयारियाँ और शाहरुख अपने लैपटॉप पर लगे हुए हैं अच्छा बारह बजे तक मुझे ये काम निपटाना है और उसके बाद उनको मद्रास जाना है मद्रास जाना है नेक्स्ट डे वहाँ कुछ इंगेजमेंट है कुछ मतलब किसी फंक्शन में शामिल होना है वो फंक्शन में शामिल होने के लिए साढ़े चार बजे के आसपास निकलना है और सुबह अटेंड करके फिर दो बजे वापस आना है और फिर शूटिंग में शामिल होना है अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है एज़ प्रोड्यूसर आप बारह बजे तक काम कर रहे हैं उसमें काम अपना तय किया हुआ है कि मुझे करना ही है खाना वाना खा लेंगे बाद में, में इंतज़ार कर रहे थे खाने के लिए तो कितनी बड़ी बात है कितना मतलब ये समर्पण भाव है अपने काम के प्रति एक स्टार है वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है कि भाई यार नहीं आते कल नहीं आना है तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते लेकिन चूंकि कमिट किया हुआ है तो जाना है और चूंकि ये प्रोडक्शन है किसी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते अपने हिसाब से सब चीजें करते रहे हैं वो तो ये इस तरह से होना जिस तरह से होना है पूरा वो बारह बजे तक वो सब सब टाइप करके दिया कि आप कल दोपहर दो, दो बजे तक ये सब चीजें करनी हैं और आगे इस तरह से चलेगा वगैरह वगैरह अभी आपने जो फिल्मों में जितने भी रोल किए हैं कोई ऐसा आपको रिग्रेट या मिस रह गया है कि या फिर अभी कोई आप में ड्रीम रोल हो जिसे आप करना चाहते हो कि नहीं अगर मुझे ये रोल ऑफर मिलता है तो मैं सबसे पहले करूंगा इस बारे में सोच मेरी बहुत अलग है मैं ऐसा मानता हूँ कि आ, जो काम मैंने किए हैं जो रोल्स मैंने किए हैं जो फिल्में मैंने की हैं जिस तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम मैंने किए हैं प्रोड्यूसर्स के साथ काम किए हैं लोग आज भी मेरे उन कैरेक्टर्स को याद करते हैं वो बो डायलॉग बोल के बताते हैं हमको जो हमने किए हैं तो बेस्ट की कोई परिभाषा नहीं है अब Hmm. कि आप ये करेंगे तो बेस्ट हो गया मतलब हो गया ये अल्टीमेट तो कुछ है नहीं hmm. आप कुछ भी कर लो वो भी अल्टीमेट से कम ही लगता है कम ही होता है तो जो इतना काम किया है अभी भी जो भी मैं काम मिलता है जो भी आ, काम मुझे करना होता है उसको हंड्रेड परसेंट मेहनत करके उसको करता हूँ आज मतलब जो इतनी ऐज होने के बाद भी या इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं छोड़ता नहीं।, नहीं जो भी काम करता है पहले उस करता हूँ पहले उसके लुक पे जाते हैं फिर उसके कैरेक्टराइजेशन पर जाते हैं फिर उसको उसी हिसाब से तैयार करते हैं अभी जो भी फिल्में देखी हैं आपने ये ये आप मे, ये देखी है मेघना गुलजार वाली छोटा सा ही रोल है लेकिन आपको लगेगा महसूस होगा कि ये सरदार पटेल का कैरेक्टर है कभी आपको ऐसा नहीं फील हुआ कि जैसे कोई रोल कोई दूसरा विलन कर रहा हो और आपको वो ऑफर हुआ और आपने रिजेक्ट कर दिया और दूसरे ने जब किया तो वो उठकर सामने आएगा ऐसा कोई रिग्रेट या ऐसी कोई फिल्में रिजेक्ट की हों जिसको आपका बाद में पछतावा हुआ हो कि नहीं, नहीं रिजेक्शन का मतलब ऐसा नहीं रहा आ... कई फिल्में ऐसी रहीं जो जो मैंने नहीं की कई वजहों से और दूसरों ने की लेकिन वो वो कोई बात नहीं बाकी मैं हमेशा ये मन में ये बना रहा जिस तरह से अमी, आ, पुरी साहब ने अपना नाम बनाया मुकाम वो खुश हुआ उस तरह कर, वो मुकाम मुझे आ, विलन के काम करते हुए नहीं मिले हुँ. लेकिन मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि जो काम मैंने किया है लोगों ने इस तरह से उनको आ, स्वीकार की विश्व भी किया है और मुझे और लोगों से बेहतर और लोगों से अलग एक, एक एक्टर के तौर पर स्वीकार किया है जैसा वो खुद भी बताते हैं और खुद भी मुझे महसूस भी होता है तो मेरे लिए काफ़ी है ये और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक मैं अभी काम करने की स्थिति में हूँ मुझे लोग इसी तरह के काम के लिए कंसीडर कर रहे हैं अभी जो भी मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ आजकल तो ओ का ज़माना है तो आपको ये एक और ओपनिंग uh, हमारे लिए हो गई है कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स हमारे सामने आ गए किसी में मैं फादर कर रहा हूँ uh, वो भी ऐसा फादर जो थोड़ा तो सा टेढ़ा फादर किसी में मैं अभी जैसे अगर मैं जिक्र करूँ तो अभी जो एक फिल्म आने वाली है सिद्धार्थ रॉय कपूर की वो लड़की है कहाँ तापसी पन्नू वगैरह अच्छा उसमें मैं मसाला किंग हूँ अच्छा टॉप का उद्योगपति है काफी पॉजिटिव सब कुछ अच्छा आया एक उद्योगपति का कैरेक्टर है उसको भी मैंने उसी हिसाब से बनाया उस फिर है उस कैरेक्टर पर एक फिल्म है जिसमें मैं गांधी टॉक्स नाम है फिल्म का गांधी टॉक्स साइलेंट फिल्म है अच्छा इस जमाने में इस जमाने में साइलेंट फिल्म है दो घंटे की मूवी है, है एक ये वेरिएशन है एक वेब सीरीज में मैं रेत माफिया हूँ ये सब आने वाले प्रोजेक्ट हैं? ये सब आने वाले प्रोजेक्ट है, वाले है। एक फिल्म में मैं बिहारी बैकड्रॉप पर एक बाहुबली हूँ इस तरह के कैरेक्टर्स और वो बाहुबली भी ऐसा ही कि उसको ड्रेसेस वगैरह पहनने का शौक है हर दिन कुछ नया दिखने का शौक है कभी वो हैट लगा लेता है कुर्ते पजामे के ऊपर कभी सूट पहन लेता है कभी जैसे घुड़सवारी करते हुए जो पूरी अटायर होता है वो पहन लेता है वो तो इस तरह का है? मज़ेदार कमाल का